श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मातांगी और उच्चिष्ट मातांगी दो ऐसी विद्याएं हैं जो एक ही भगवती का दो स्वरूप है, लेकिन उनका कार्य बिल्कुल अलग है। मातांगी स्वरूप जो नौवीं महाविद्या है वो उन्हीं सब चीज़ों को गवर्न करती हैं जिसको नॉन तांत्रिक दुनिया में सरस्वती गवर्न करती है, मतलब शब्द, भाषा, विद्या, ज्ञान और म्यूजिक, आर्ट। लेकिन अगर यही मातांगी की पूजा तांत्रिक पद्धति से की जाए तो दश महाविद्या में बगलामुखी के बाद इन्हीं का स्थान आता है, जो कि अब आपके शत्रुओं पर आपका कंट्रोल करवाए और वशीकरण की आप में शक्ति दे कि आप और लोगों से ऊपर उठ करके और उसके बाद शत्रुओं को अपने कब्जे में कर लें। ठीक है, उनका जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो तस्वीर देखा होगा वो राज मातांगी का होगा, या राजा मातांगी उनको बोलते हैं, जो वीणा लेके बैठी रहती है सरस्वती के रूप में। इनका जो ध्यान रूप है वो जैसे एमरल्ड पत्थर हरे रंग का आता है, वैसे ही ये हरे रंग की आती हैं। इनका हृदय में ध्यान किया जाता है और इनको इनके ध्यान में ऐसा सोचा जाता है कि भगवती एक शव पर बैठी है, शवारूढ़ा है, लाल वस्त्र पहन के, लाल रंग के आभूषण और गुंजा का जो बीज होता है उसकी माला पहनी हुई है भगवती ने। 16 साल की कुंवारी कन्या के रूप में भगवती है, एक हाथ में मुंड, दूसरे में तलवार और बाकी दो हाथ से बचा हुआ भोजन लोगों को वो देती हैं। अब ये भी सोचने की बात है कि मातांगी बचा हुआ भोजन क्यों देती है। जब हम उच्चिष्ट मातांगी की बात करते हैं तो कथा ये है कि विष्णु और लक्ष्मी ने पार्वती जी को भोजन कराया। जब पार्वती जी भोजन कर रही थी तो उस भोजन से जो अनाज गिर गया उससे एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई जो मातांगी थी, और उसको उच्चिष्ट मातांगी बोला गया। उच्चिष्ट मातांगी तांत्रिक देवी हुई और मातांगी विद्या देने वाली देवी है। तो आज हम लोग क्योंकि वशीकरण पे बात कर रहे हैं तो हम लोग उच्चिष्ट मातांगी को पहले 7 दिन में सिद्ध करते हैं और उसके बाद मातांगी भगवती के मंत्र से, जो वशीकरण मंत्र है, एक पान को अभिमंत्रित करते हैं और उससे जो तिलक बनता है उससे सर्व लोग आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले भगवती मातांगी को कैसे आप सिद्ध करेंगे? सर्वप्रथम रोली से मातांगी का यंत्र बनाएं। ठीक है, मातांगी भगवती का यंत्र कैसे होता है? बीच में त्रिकोण, फिर अष्टदल, उसके ऊपर कमल बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक घेरा डालेंगे, फिर अष्टदल कमल बनाएंगे, फिर उसके ऊपर घेरा डालेंगे और फिर 16 पत्तों का एक कमल बनाएंगे, इसके ऊपर फिर जो 4 द्वार होते हैं वो बनाएंगे तो यंत्र पूरा हो जाएगा। बीच में बीज मंत्र जो है वो होगा ह्रिम। मातांगी का बीज एम है, जो कि सरस्वती का भी बीज मंत्र है, लेकिन जब उच्चिष्ट मातांगी साधना करते हैं तो बीज हम लोग ह्रिम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बना लिया। इस समय क्योंकि ये उच्चिष्ट साधना है तो स्नान नहीं करना होता 7 दिनों के लिए, रात में इनकी साधना होती है। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, अगर ये साधना सिर्फ उच्चिष्ट साधना करके तुमने छोड़ दिया तो तब भी तुम्हारा जो शत्रु है वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद और वशीकरण करना है तो फिर इसका जो दूसरा भाग है वो मैं बताऊँगा, उसको आप लोग करना। ठीक है, तो इसमें पहले ध्यान कर लिया, ध्यान का विधान तुम लोगों को बता दिया, यंत्र बना लिया,
धूप दीप नवेद फल अगरु और जो पांच पूजा की सामग्री है पुष्प मिला करके वो वहां पे आपने चढ़ा दिया। ध्यान करने के बाद 1008 बार एम मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है, एम मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद एक मंत्र है जिसका 10 माला जाप करना है, वो है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया वो आपको अब बता देता हूं, कि इस साधना को करने से पहले बचा हुआ खाना किसी की थाली का वो आपको खाना है, ठीक है। और फिर जब आप साधना करने बैठेंगे तो मंत्र है ओम ह्रीम ऐम श्रीम नमो भगवती उच्चिष्ट चांडालिनी श्री मातंगेश्वरी सर्वजन संकरी स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम ऐम श्रीम नमो भगवती उच्चिष्ट चांडालिनी श्री मातंगेश्वरी ही सर्वजन वसंकरी ही स्वाहा। ऐसा आप 7 दिन जाप करेंगे और इसका आपको हवन मार्जन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवती का जो वशीकरण मंत्र है उसको सिद्ध करना, ठीक है। 7वें दिन के बाद 8वें दिन से अगले 11 दिन तक आप रोज एक मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। आपके पास व्यवस्था पहले से है, मंत्र होगा ओम नमो भगवती मातंगेश्वरी ही सर्व मुख रजनी ही सर्वेशा महामाये मातांगे कुमारिके नंद नंद जिव्वे सर्वलोक सवायाम कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम नमो भगवती मातांगेश्वरी ही सर्वमुखा रजनी ही सर्वेशा महामाये मातांगे कुमारिके नंद नंद जिव्वे सर्वलोक सवायाम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आप 7 दिन जाप करेंगे, फिर 8वें दिन आप एक पान को रखेंगे सामने, ठीक है, और उस पान को किसी पीतल के बर्तन पर रखिएगा और उसके ऊपर नीचे और दाएं और बाएं और मध्य में एक एक सुपारी रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 1008 जाप करिएगा इस मंत्र का। अच्छा, जब मैं ऐसा बताता हूं तो ये समझ लो कि उसको भगवती के सामने अर्पण करके और जो पंच पूजा का विधान है वो पूरा करने के बाद आप जाप करेंगे, ठीक है। इतना कर लिया, आपका वो पान जो है वो अभिमंत्रित हो जाता है। अब देखो, इसका उच्चिष्ट प्रयोग भी है और इसका नॉर्मल प्रयोग भी है। तो नॉर्मल प्रयोग में लोग क्या करते हैं कि उसके बाद इस पान को का रस निकाल करके और उसके बाद जो वो तिलक प्रयोग करते हैं उस तिलक में इसको मिला देते हैं और उसके बाद उस तिलक को रोज लगाने से जो आपको देखता है वो आकर्षित होता है। इसका एक उच्चिष्ट प्रयोग है। उच्चिष्ट प्रयोग में क्या होता है कि जब आप संकल्प लेते हैं आखिरी दिन 8वें दिन तो आप अमुक व्यक्ति के लिए संकल्प लेते हैं, ठीक है, कि इस व्यक्ति को मुझे अपने वश में करना है, ठीक है। और उसके बाद एक माला पहले उच्चिष्ट मातांगी का मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद जो 1008 का जो नियम है उस हिसाब से आप वशीकरण मंत्र पढ़ते हैं। फिर जब आप पान निकालते हैं तो पान को पहले चिबा लेना होता है अपने मुंह में और उसके बाद उस पान का जो रस है उसको फिर आप तिलक में मिला के लगाते हैं तो जो एक व्यक्ति जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं वो वशीभूत हो जाता है। लेकिन उच्चिष्ट ना करके इसको नॉर्मल पद्धति से करेंगे तो मुझे लगता है कि जो जितना काम आपका बनना है वो बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। मातांगी भगवती की और कुछ विद्या में लाभ देने वाली साधनाएं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जिनको बेसिक साधना सीखना है जैसे आसन बंधन दिशा बंधन तो वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं www.aghortantrahasya.xyz। डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप पर, उस पर rudrath@cm4 सर्च करिएगा। माँ भगवती मातांगी आप लोगों को विद्या बुद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करवाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।